ठीक है, चलिए मनोज काका जी से उसके बाद फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी। ब्रजमोहन श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेश चव्हाण भी हैं, मैं आप लोगों के पास आऊंगी। मनोज काका जी, अब तो शिवसेना उद्धव गुट की ओर से कहा जा रहा है कि 2 से 3 सीटें, इतनी हैसियत है आप लोगों की, ये जो 5 सीटें आप लोग मांग रहे हैं यह गलत है, त्याग करेंगे फिर? देखिए, हैसियत की बात तो राजनीति में उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के लोगों ने तय कर दिया कि अगर बहुजनों का कोई नायक है और देश की तीसरी सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी है लोकसभा सदस्यों के हिसाब से, विधानसभा सदस्यों के हिसाब से, तो वो मामले अखिलेश यादव जी। और जो कोई भी, मैं बात से जो बता रहा हूँ कि भारतीय राजनीति में अखिलेश यादव का विमर्श इस समय पूरे जनमानस में और बहुजनों के मन में भाया हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि बाबू अखिलेश प्रसाद के साथ जो अन्याय हुआ, संघियों ने गोली मारा, ये बाबा साहब के साथ अन्याय हुआ, तो तमाम जो लगातार जो अन्याय हुआ, उसको न्याय देने का अगर कोई तरीका। और अब जफर भाई, आप तो यार दोनों लोग मुझे लग रहा है स्काइप से बैठे हुए हैं, एक बार मनोज जी की बात हो जाए उसके बाद जफर साहब आप बोलिएगा, अदरवाइज दोनों की आवाज नहीं आएगी। व्यवहार करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, नहीं कर रहे हैं, बोलिए। किसी तरह का मैं कोई हस्तक्षेप नहीं किया हूँ, बोलिए बोलिए। देखिए, पीडीए की जो अवधारणा है चिंता, वो मंडल कमीशन के संस्तुतियों को लागू करने की है, वो बाबा साहब के विचारों को मूर्त रूप देने की है, वो डॉक्टर लोहिया के विचारों को मूर्त रूप देने की है। उत्तर प्रदेश में देखिए ना, अखिलेश यादव जी सामान्य सीटों पर भी, 9 में ही सामान्य सीटों पर, 2 सामान्य सीटों पर दलित लोगों को उन्होंने चेहरा बनाया, 5 के 5 महिलाओं को बनाया हुआ, आधी आबादी को भी सबसे ज्यादा राजनीतिक हिस्सेदारी हम लोग दे रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री, वो उत्तर प्रदेश के लोगों को ये कहना चाहिए कि हमने 7 साल में ये रोजगार दिया, ये विश्वविद्यालय बनाया, ये सड़कें बनाया। दुर्भाग्य से योगी जी वो कुछ नहीं कर पाए, अब वो उन्मादी हो रहे हैं, कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। योगी आदित्यनाथ जी से उत्तर प्रदेश के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि लखनऊ में मोहित पांडे की कस्टोडियल डेथ हो गई, वो बटा और कैसे कटा और कैसे उसकी हत्या हुई, और कौन लोग थे जो इस देश के लोगों को बांट के बहुजनों को 5,000 साल तक उनसे मजदूरी कराए, बधुआ मजदूर रखे। अब आपको लग रहा है कि बहुजन अपना हक मांग रहा है तो आप बेचैन हो रहे हैं, अब आप वो हक मांग रहा है तो उसे एक कर रहे हैं, और नहीं तो अपनी बधुआ मजदूरी करानी थी तो उसको बांटते थे आप, उसको नन्हवा कहते थे, उसको उसको वंचित कहते थे, उसको अछूत कहते थे, अब आपको लग रहा है। अरे मनोज काका, संविधान से ये लखनऊ वाला मुद्दा आपने जो उठाया है ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। मेरा ये सवाल है, अब देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में 5 सीटें कांग्रेस मांगेगी, आप लोग उसको वहां पर सीटें देंगे नहीं, पूरी की पूरी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे, फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं कांग्रेस और शिवसेना वहां पर कॉम्प्रोमाइज करें और आपको 5 सीटें दे दे, तो ये चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये दोनों चीजें तो नहीं होती है ना? ब्रजमोहन जी को लेकर मैं आना चाहूंगी। हाँ, खत्म कीजिए, खत्म कीजिए, ठीक है, खत्म। देखिए वो जो बात है ना दिनकर की, दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हसीना उठाएंगे, तो समाजवादी लोग अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी मांग रहे। 2 सीटों पर हमारे विधायक है, 7 सीट मिली थी और 5 पर हम उप विजेता थे। तो मैंने फिर मैं कह रहा हूँ, भारतीय राजनीति में अखिलेश यादव जी के पीडीए की अवधारणा को, मंडल कमीशन के रिपोर्ट को, और उनकी जो समावेशी विचारधारा, ठीक है, उसको इग्नोर करके आप मनुवादियों को हरा नहीं सकते। ब्रजमोहन जी, मनुवादियों को अगर कोई हराएगा तो अखिलेश यादव की पीडीए की अवधारणा हरा, ठीक है। पहले तो आप अपने लोगों को समझाइए जिस गठबंधन में आप शामिल है। अरे चित्रा जी, हमें भी 10-5 सेकंड दीजिए, जल्दी से जफर साहब, जल्दी से जफर साहब। सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि इतना गरजने, इतना गरज, मनोज काका पर इतने गरजने की यहाँ पर टीवी पर जरूरत है, जहाँ गरजने की जरूरत वहां गरजिए ना। आनंद, अरे आनंद पांडे यहीं पर आपको बोल रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत नहीं, तुम कहा 2-5 कर रहे भाई। आनंद दुबे जी, सॉरी, माफी चाहता हूँ आनंद भाई, आनंद दुबे जी यही कह रहे, तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम कहा कोई आप उछल कूद रहे हो, गरजने से कुछ नहीं होगा, जरा सुनिए उनको, अपने पार्टनर को कह रहे हैसियत ही नहीं तुम्हारी, देख लेंगे तुम्हारे को शाम में, आओ आज शाम में देख लेंगे तुम्हारे क्या है। चित्रा जी, 5 सेकंड, अब इसका जवाब हम पे, आप हैसियत पूछ रहे हैं, बीजेपी में ठेका बड़ा है, खुशी मिल रही है, ये आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आया होगा। एक लाइन में आनंद दुबे जी, एक लाइन में, बाकी लोगों के पास मैं बिल्कुल नहीं जा पाई हूँ, 15 मिनट हो चुके हैं, जल्दी से 5 सेकंड बोलिए आनंद दुबे जी, 5 सेकंड में बोलिए, फिर उसके बाद बाकी तीन मेहमानों को लेकर आइएगा स्क्रीन पर, बोलिए आनंद दुबे जी। राजनीति में जो गठबंधन का धर्म होता है
राजनीति में जो गठबंधन का धर्म होता है उसमें कभी कभी बड़ा हृदय करना पड़ता है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी को हम धन्यवाद देते, उन्होंने कहा हम महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम महाविकास आघाड़ी का प्रचार करेंगे। तो समाजवादी मेरे भाइयों, आप लोग भी अखिलेश यादव जी को भेजो, यहाँ प्रचार करें, देने के लिए आम आदमी पार्टी को तैयार थे और वो भी वो सीट रहे थे जहां पर बीजेपी बहुत मजबूत है। आनंद जी, ये जो बहुत बड़ा दिल आप लोग दिखाने की कोशिश करते हैं ना टीवी पर, उसके पीछे की वजह भी बता दीजिए। अब दो दो राज्यों में जिसकी सरकार है उसको कहेंगे महाराष्ट्र में आकर एक सीट लो, और वो भी सीटें जो आप लोगों ने सालों से कभी जीती नहीं हो, जहां से बीजेपी का गढ़ हो। ये आप लोगों का त्याग तो मतलब एकदम क्या ही बोला जाए। चले बाकी मेहमानों को, कृष्णा हेगड़े जी हमारे साथ हैं, शिवसेना शिंदे गुट के ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए, महेश चव्हाण जी, अब आप तीनों का एक एक करके मैं रुक कर लेती हूँ। कृष्णा हेगड़े जी, आपके पास आते हुए देखिए, आप 45 सीटों पर आपकी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन 73 सीटों को लेकर अभी पेच आप लोगों में भी फंसा हुआ है। लेकिन आप लोग खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, इंडिया गठबंधन में झगड़ा हो रहा है, पहले अपना तो मसला सुलझा लीजिए आप लोग। चित्रा जी, ऑफिशियली और अनऑफिशियली हमने सब हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए और सभी को बोल दिया है कि काम पे लग जाओ, और सभी को पता है कि किस किस को सीट मिल रहा है और वो काम पे भी लग गए हैं। तो जो औपचारिक घोषणा है वो हम आज या कल तक कर देंगे, लेकिन ये पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी है कि यहाँ पर कोई रिबेल नहीं हो, और हम पूरा ये जो रिबेलियन अगर कोई किसी भी तरह का होगा उसको हम कंटेन कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आनंद दुबे जी ने तो सरासर कह दिया इनको, समाजवादी को, कि भाई दो सीट ले लो। अरे भाई, दो सीट तो उनके विधायक है, दो सीट ले लो क्या, वो वैसे ही ले लेंगे, तुम देंगे नहीं तो भी। तो लेकिन भाषा जो इन्होंने वापरा है महाविकास आघाड़ी में एक दूसरे के साथ, जैसे संजय राउत कहते हैं हम नाना पटेलों के गिनते नहीं, हम तो दिल्ली से डायरेक्ट कांग्रेस के आला कमान से बात करेंगे, अब उनसे बात भी नहीं करेंगे। इधर आनंद दुबे जी कह रहे हम समाजवादी को गिनते नहीं, उनको सिर्फ दो सीट देंगे। तो मुझे नहीं लगता हमने ऐसा कभी बात किया। रामदास आठवले जी जो हमारे छोटे घटक है आरपीआई के, वो अभी भी सीएम के साथ इस वक्त बैठे हैं, और उनको भी हम मुंबई में एडजस्ट करके उनको सीट प्यार मोहब्बत से दे रहे हैं और उनका कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। तो तालमेल की बात है कि कौन से जो गठ है उसमें केमिस्ट्री है, और महायुति में जो केमिस्ट्री हमारे बीच में है उसके वजह से हमारी सरकार फिर से आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इनके बीच में अगर आएगी भी तो इन लोग कैसे रहेंगे, कैसे साथ में काम करेंगे, वो तो हमने देख लिया गए बार, 5 साल 2.5 साल इनकी सरकार थी, तो इनके मुख्यमंत्री तो 2 बार मंत्रालय नहीं गए, फेसबुक लाइव का इनका शासन था। तो ये लोग, महाराष्ट्र की जनता होशियार है, वो जानती है कि कौन काम करने वाला सरकार है, कौन नहीं, कौन स्कीम लेके आए, कौन लोगों के लिए योजना लेके आए, कौन 24/7 काम करे, कौन फेस टू फेस काम करे और कौन फेसबुक लाइव काम करे। कुल कितनी सीटें मिल रही हैं, अब ये भी खुलासा कर दीजिए आप। कुल अभी तक 45 पर आपने अपने उम्मीदवारों के ऐलान किए हैं, कुल कितनी सीटों पर शिंदे ग्रुप लड़ने जा रहा है? देखिए, लगभग 80 सीट पे हम लड़ने जा रहे हैं, और ज्यादातर अगर हमने इंटरनली कैंडिडेट शॉपिंग किया और सिंबल शॉपिंग किया तो मुझे लगता है ये महायुति के ही सब कैंडिडेट है। तो एक साथ सभी भाई मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीतकर महाराष्ट्र की जनता की सेवा में लगेंगे। एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।